नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त इस वक्त की बड़ी खबर का है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम की ही करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आसानी साइक्लोन से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इसका असर यहाँ पर दिखाई देगा और गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन राहत नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर गर्म हवाओं ने प्रदेश में जोर दिखाया है। 4 जिलों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बता रहे हैं, जानकारी दे दे। यहाँ दोनों ही राज्यों में गर्मी लगातार बरकरार है, लेकिन आसानी तूफान का असर छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, जिसके चलते गर्मी से छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिल सकती है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई राहत नहीं। आने वाले 4 दिनों तक फिलहाल गर्मी ऐसे ही तपाएगी। 4 जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 10 और 11 मई को प्रदेश में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। राजगढ़, रतलाम, नौगांव और खंडवा, ये ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। चलिए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बताते हैं और साइक्लोन का कितना असर यहाँ पर पड़ेगा ये भी आपको जानकारी देंगे। सीधे रुक करते हैं, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से आकर्ष शर्मा और इसके साथ ही राजधानी रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के मौसम का हाल क्या कह रहा है और ये भी बताइएगा कि आसानी तूफान का असर मध्य प्रदेश पर कितना होने वाला है। यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि करीब 3 से 4 दिनों तक इस तरीके का कोई सिस्टम में यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिले, यानी मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमानों की बात करें तो भोपाल की बात करें तो 42.2 डिग्री टेम्परेचर 24 घंटे में अधिकतम दर्ज की बात करें तो खरगोन, खंडवा समेत 4 जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री के तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है आगामी 3-4 दिनों में टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। यदि हम बात करें पचमढ़ी छोड़ 52 जिलों में जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से मौसम 4 दिनों तक बना रहेगा। यदि बात करें बंगाल की खाड़ी की या अरब सागर की, वहाँ से किसी तरीके से कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ से कोई नमी वाली हवाएं नहीं आ रही। दूसरी तरफ यदि बात करें पश्चिम विक्षोभ की, वहाँ भी इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं जो मध्य प्रदेश या भारत पर असर दिखाए, लेकिन जो सर्कुलर एक तूफान का असर जरूर हम कह सकते हैं वो 4 दिनों बाद मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका कितना असर देखने को मिलेगा, मौसम विभाग कह रहा है 1 या 2 दिन यानी 48 घंटों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में उसका असर कितना देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी का जो है सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। जय बिल्कुल। तो देखिए, आसानी का कोई असर मध्य प्रदेश पर नजर नहीं आएगा और इसी तरह भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी। अभी गर्मी से कोई राहत मध्य प्रदेश वासियों को आने वाले 4 दिनों तक तो नहीं मिलने वाली है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ का हाल क्या है ये हम कुलेश्वर से जानेंगे। कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और ये भी बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाल हमने जाना, यहाँ पर तो आसानी चक्रवात से कोई राहत नहीं मिलेगी, इतना असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण इलाके में जो है इसका असर दिखेगा, लेकिन आंशिक असर रहेगा आसानी तूफान का। यहाँ भी अगर हम बात करें तो प्रदेश का अभी भी तापमान जो है 42 डिग्री के लगभग आसपास है। बहुत ज़्यादा फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गर्मी और उमस ये दोनों से वैसे ही जो प्रदेशवासी है परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज जो है कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कल तेज़ हवा के साथ जो है अंधड़ चलने की भी संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताया है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा असर जो है छत्तीसगढ़ में आसानी तूफान का नहीं पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि तापमान जो है लगातार अप डाउन छत्तीसगढ़ का हो रहा है। कभी 41 चले जा रहे तो कभी 42 में है। आज भी पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 42 डिग्री के आसपास जो है प्रदेश
का तापमान है। तो कुल मिलाकर लोगों को गर्मी से भी राहत नहीं मिलने वाली और आसानी तूफान का जो प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा जिससे तापमान में गिरावट भी आएगी। लेकिन जैसे ही तूफान का असर खत्म होगा तो वैसे ही फिर से तापमान में जो है लगातार वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है आसानी तूफान से, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ को नहीं करेगा और कुल मिलाकर गर्मी से भी फिलहाल राहत जो है प्रदेशवासियों को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हाल एक जैसा ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आसानी का असर इतना दिखाई नहीं देगा और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत थोड़ा ही असर आसानी तूफान का नजर आएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं जहाँ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत तो ज्यादा नहीं मिलेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये आकर्ष हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े थे, इसके साथ ही राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े थे। दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम फिलहाल बरकरार है और अभी राहत की उम्मीद ना करें दोनों ही राज्यों के वासी, क्योंकि अभी राहत नहीं मिलेगी। गर्मी अब तपा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तापमान कई ऐसे जिले हैं जहां 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और 10 और 11 मई को प्रदेश में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर आसानी से का असर थोड़ा सा दिखाई देगा, हालांकि ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। एचपी चंद्रा जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौसम वैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। एचपी चंद्रा जी बहुत स्वागत है आपका। सर, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हम जानना चाहेंगे, आसानी का कितना असर यहाँ पर दिखाई देगा और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे जिले होंगे जहाँ बारिश हो सकती है इस तूफान के असर से। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सिस्टम है थोड़ा किनारे आते आते वो कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज है कि ये समुद्र में ही करीब करीब ये मान करके चल सकते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर तट से दूर में ही वो रिकर हो रहा है, मतलब वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुड़ रहा है, अर्थात बांग्लादेश की तरफ वो जाने की संभावना है जी। दूसरी चीज है कि चूंकि बस्तर संभाग है वो समुद्र तट से करीब करीब एरियल डिस्टेंस देखें तो 250 किलोमीटर के आसपास होगा, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जगह रहेगा तो वो रहेगा बस्तर संभाग के जिले रहेंगे। साथ ही यदि वो रिकर हो रहा है तो इधर है रायपुर संभाग के जिले हैं और बिलासपुर संभाग के पूर्वी भाग के जिले हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जब ज्यादा प्रबल होगा उस स्थिति पर बस्तर संभाग और उससे लगे हुए जो जिले हैं रायपुर संभाग के जिले वो ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा असर होने की संभावना फिलहाल नहीं है। थोड़ी सी विंड स्पीड में वृद्धि होगी, बादल छा सकते हैं, साथ ही हल्की से मध्यम बारिश है बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के जिलों में हो सकता है, बाकी जगह हल्की बारिश ही होने की संभावना है। बाकी यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही जी थोड़ी विंड स्पीड है बढ़ेगा। अब विंड स्पीड बढ़ने बादल छाने के कारण से साथ ही वर्षा होने के कारण से थोड़ी मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी होगी। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका एचपी चंद्रा जी, छत्तीसगढ़ से मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उनका भी यही कहना है कि आसानी का असर इतना छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देगा, ज्यादा असर इसका दिखेगा नहीं प्रदेश में। हालांकि ये है कि बारिश हो सकती है लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी।